बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल की तरफ से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था SS फिज़िक्स BPS 17 का पास्ट पेपर, जिसमें से हमने टोटल 50 MCQs डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में हम उससे नेक्स्ट जो 50 हैं वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो SS फिज़िक्स पार्ट 2 है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, दी RMS वैल्यू ऑफ EMF इन अ सर्किट इज गिवन बाय अ फैक्टर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.707। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज इंक्रीज्ड इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ इंक्रीज होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है। और डिक्रीज क्या होता है? वो होता है करंट। तो यहाँ पे हमसे इंक्रीज मांगा है कि इंक्रीज क्या होता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ऑफ 50 ओहम रेजिस्टेंस एंड 100 ओहम इम्पीडेंस इज। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये भी मैंने काफ़ी ढूंढा है इसको गूगल में, लेकिन मुझे कहीं पे इसका ठीक से आंसर नहीं मिला। तो आप दोस्त इसको या तो खुद सॉल्व करें या गूगल में से कहीं पे सर्च करके इसका सलूशन आप यहाँ से खुद ही देख लें। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन व्हाट फॉर्म इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन एन एसी सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज इज़ 4 to 3 वोल्ट, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज़। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी ऊपर जो है पार्ट 1 में इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, 400 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस रिलेटिव टू एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेम। क्वेश्चन नंबर 57 है, टाइम डायलेशन मीन्स। टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है? टाइम का स्लो हो जाना। तो ये है अपेरेंट शॉर्टनिंग ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ऑप्शन में से कौन सा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्लेन करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। इसको किसने डिस्कवर्ड किया है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को? ये है ओरेस्टेड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन अ मैग्नेट इज़ हीटेड देन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। ये भी मेरे ख्याल में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी कर चुके हैं हम। इसका ये इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, एट व्हाट रेट वुड इट बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट द फ्लक्स इन ऑर्डर that a current of 1.2 mA flows through it when 10 ohm resistor is connected across its end. इसको भी हम पहले कर चुके हैं। ये इसका भी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, 1.2 × 10⁻⁴ क्वेश्चन नंबर 63 है, कॉम्पटन इफेक्ट इज ईजियर टू ऑब्जर्व विद। कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये किस चीज़ को ऐसे हम ऑब्जर्व करते हैं आसानी से? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एक्सरेज से। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग experiment, the scattered electron moves in the same direction as that of the incident photon. In which direction does the proton scatter? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 65 है द Peshin series is obtained when all the transitions terminated on orbit number first, second, third and fourth. इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑर्बिट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 66 है इन द बोहर एटॉमिक मॉडल of the hydrogen atom the lowest orbit corresponds to. correct answer इसका है minimum energy. option number C is the correct option. question number 67 है a photon while passing a magnetic field will be deflected towards. option number D is the correct option. इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 68 है अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स दैट आर 0.2 मीटर अपार्ट. द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू एन 80 वोल्ट बैटरी. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इन न्यूटन्स. दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी थोड़ा सा लेंथी था, इसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है. इसका सलूशन ये है, इसको हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका जो आता है वो है 6.4 into 10 raised to power 12. Option number B is the correct option. Question number 69 hai, according to Pascal's law, the pressure of gas in a vessel is. Option number B is the correct answer. Same in all directions. Question number 70 hai, which one is not an example of adiabatic process? में से कौन सा जो है वो adiabatic process का example नहीं है, तो ये इसका correct answer है option number C conversion of water into ice. तो दोस्तों ये थे 70 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव थे, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड थे. ये बाकी के जो 30 MCQs है ये टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं. तो चलो दोस्तों उसको भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 71 है इन एनालिटिकल मेथड ऑफ टीचिंग द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन. करेक्ट ये ट्रू या फॉल्स है, तो ये है true. option number A is the correct option. question number 72 है violet light has the largest wavelength. सबसे largest wavelength जो होती है वो red light की होती है. यहाँ पे violet दिया हुआ है तो ये है false. option number B. question number 73 है according to the third like learning takes place through trial and error. ये है true. option number A is the correct option. question number 74 है teaching is both a science and an art as well. ये भी correct है true. option number A is the correct option. question number 75 है there are two major elements of communication. तो दोस्तों ये फॉल्स है. इसके जो टोटल मेजर्स एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 7, तो ये है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 76 है एपिस्टेमोलॉजी मींस द थ्योरी ऑफ लर्निंग. तो ये है करेक्ट ट्रू है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 77 है मॉन्टेसोरी वाज एन इटालियन फिजिशियन. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 78 है रोसियो वाज बोर्न इन जिनेवा. तो ये भी ट्रू है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 79 है, अ प्रोमिनेंट पेडागॉगी फ्रोइबेल वाज बर्न इन ग्रीस। तो दोस्तों ये फॉल्स है, वो बर्न हुए थे जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 80 है, डेवी इंट्रोड्यूस्ड अ मेथड ऑफ टीचिंग नेम्ड प्रोजेक्ट मेथड। ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, नेशनल एजुकेशन कमीशन शरीफ कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। इट्स ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 है, देयर आर 4 फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो इसका ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और डिवाइडेड इनटू 6 मेजर एरियाज। ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्राइडरिच हर्बर्ट इज़ द फाउंडर ऑफ द पेडागॉगी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्लूम हैज क्लासिफाइड द कॉग्निटिव डोमेन इनटू 5 स्टेप्स। ये है ट्रू, ये है फॉल्स। इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो ये भी फॉल्स है, इसके टोटल जो है 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब ये भी फॉल्स है, इसके टोटल होते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 88 है, द IQ ऑफ द नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल लाइज बिटवीन 90 to 110। ये है ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम। ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, देयर आर 3 कॉजेज ऑफ मॉल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 91 है, देयर आर 4 ब्रॉड और मेजर टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ये फॉल्स है, इसके टोटल जो है सॉरी ये नहीं है ऑफ 91, इसके टोटल 3 मेजर टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। ये भी फॉल्स है, इसके टोटल 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, द पैटर्न ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पेपर यू आर अटेम्प्टिंग ट्रू फॉल्स। तो ये है ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन मल्टीपल चॉइस 1 करेक्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन। ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 ये नज़र नहीं आ रहा, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, देयर आर 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये है फॉल्स, ये टोटल सॉरी ये है फॉल्स, ये टोटल होते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रेमिंग इज इनकरेज इन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ द टेस्ट आइटम। ये है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अरेंजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन अ स्कूल इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान। ये भी फॉल्स है। टोटल जो होते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन होते हैं पाकिस्तान में, जो कि डिस्कशन, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, ऐसे कंप्लीशन, इस तरह के जो टोटल होते हैं वो है 5 रिटन एग्जामिनेशंस। दोस्तों ये था हमारा आज का एसएस फिजिक्स का पेपर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।